आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी। ठीक है, तो बेसिकली कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो क्या होता है, रेजिस्टेंस आपकी क्या होती है, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 1 बाय रो कर दूँ इधर, ठीक है, और यहाँ पे एल बाय आर ए कर दूँ, तो ये जो 1 बाय रो है यही आपकी कंडक्टिविटी होती है कापा, यानी कि जो कंडक्टिविटी है वो आपकी रेजिस्टेंस से इनवर्सली रिलेटेड होती है। ठीक है, तो अब पहली आपकी स्टेटमेंट है कि मेटालिक कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। बिल्कुल सही बात है, किसी भी मेटल की कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी कि मेटल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, नेचर ऑफ द मेटल पे डिपेंड करेगा। मेटेलिक कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल और द एटम ऑफ द मेटल। ये स्टेटमेंट भी सही है, कितने उसके मेटल्स हैं उस पर डिपेंड, कितने उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर उसमें एक या दो ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो इजिली उन एक दो इलेक्ट्रॉन्स को देकर एक अच्छा मेटल की तरह बिहेव कर पाएगा। अगला है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो क्या होता है, टेम्परेचर जब इंक्रीज करता है तो आपकी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है, जब आपकी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है तो कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है, इसीलिए ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी क्या है, ट्रू है। अगली है, देयर इज नो चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। ये स्टेटमेंट गलत होगी, हमने पहले ही ऑप्शन में ये देखा था कि स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल पे वो डिपेंड करता है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में मेटल के स्ट्रक्चर पे भी फर्क पड़ता है, इसीलिए जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो हमारी ऑप्शन नंबर 4 में है। दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।